सूचकांक टॉपिक हमने पिछले क्लास में तैयार कर ही लिया। अब देखते हैं इस टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो पहला है, सूचकांकों की शुद्धता निर्भर होती है सरकारी नीति पर, मूल्य नीति पर, आधार वर्ष पर या अनुसंधानकर्ता की प्रकृति पर, बताओ। सही उत्तर है आधार वर्ष पर। सूचकांकों की शुद्धता है पूरी की पूरी आधार वर्ष पर निर्भर करती है, इसलिए सूचकांक तैयार करने में आधार वर्ष नॉर्मल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचकांकों के गणन में सर्वाधिक उपयुक्त माध्य है समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, ऋणात्मक माध्य, मध्यगत। तो इसका सही उत्तर यह गुणोत्तर माध्य। सूचकांकों के निर्माण में सर्वाधिक उपयुक्त माध्य कौन सा है? गुणोत्तर माध्य। लेकिन सबसे ज्यादा काम में कौन सा लिया जाता है? समांतर माध्य। कारण जो गणना की सरलता है उस कारण समांतर माध्य काम में लिया जाता है, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त माध्य कौन सा है? गुणोत्तर माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचकांक व्यवसाय के पथ पर संकेत चिन्ह तथा निर्देश स्तंभ है, किसने कहा? ये बात किसने कही कि सूचकांक व्यवसाय के पथ पर संकेत चिन्ह तथा निर्देश स्तंभ है? तो इसका सही उत्तर क्या है? बलेर। बलेर ने एक बात और कही थी सूचकांक के लिए कि सूचकांक है वो विशेष प्रकार के माध्य है, सूचकांक विशेष प्रकार के माध्य है। ये बात किसने कही थी? बलेर ने कही थी, और उन्होंने कहा कि सूचकांक व्यवसाय के पथ पर संकेत चिन्ह है तथा निर्देश स्तंभ है, ये भी बलेर ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचकांकों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सूचकांकों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? केल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचकांक निर्माण हेतु लेस पेयर का सूत्र है, बताओ। तो इसका सही उत्तर है सिग्मा पी वन क्यू जीरो बट्टा सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो गुणा सो। एक तो है लेस पेयर और एक है पास्चिल, दोनों का क्रम से नाम याद रखो, पहले लेस पेयर फिर पास्चिल। अब देखो जीरो और वन में पहले कौन सा आता है? जीरो। पी वन और पी जीरो तो हमेशा ऊपर नीचे ही रहेगा दोनों ही सूत्र में, चाहे लेस पेयर का हो चाहे पास्चिल का हो। जैसे ये सूत्र है लेस पेयर का और ये सूत्र है पास्चिल का, इसमें भी पी वन पी जीरो है, ये सेम ही है। अब क्यों की बात है, क्यों? तो पहले क्या आता है? जीरो। और अपन ने क्रमांक में याद रखा तो पहले किसका नाम याद रखा? लेस पेयर का। लेस पेयर का रखा तो जीरो वाला ऊपर रख दो और जीरो वाला नीचे, दोनों ऊपर नीचे सेम ही आएगा। पी वन क्यू जीरो ये सेम आएगा और ये ऊपर नीचे सेम आएगा, यदि यहां वन है तो यहां भी वन है, यहां वन है तो यहां भी वन, दोनों सूत्र में। अब जो जीरो वाला सूत्र है वो किसने दिया? लेस पेयर ने। और वन वाला सूत्र किसने दिया? पास्चे ने। इस हिसाब से इनको याद रखना, ये लेस पेयर का सूत्र है और ये पास्चे का सूत्र है। नेक्स्ट, सूचकांक विभिन्न वस्तुओं के मूल्य अनुपातों का बताओ। तो इसका सही उत्तर क्या है? माध्य। अभी अपन ने बलेर वाला कथन मैंने बताया ना, बलेर ने क्या कहा? सूचकांक विशेष प्रकार के माध्य। तो सूचकांक विभिन्न वस्तुओं के मूल्य अनुपातों के क्या है? माध्य होते हैं। नेक्स्ट सवाल है सातवां, सूत्र दे रखा है अनरूट में सिग्मा पी वन क्यू जीरो बटा सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो गुणा सिग्मा पी वन क्यू वन बटा सिग्मा पी जीरो क्यू वन इंटू सो के जन्मदाता है, किसने दिया ये सूत्र? वेरी इंपॉर्टेंट, फिशर का सूत्र है। और इस सूत्र की क्या विशेषता है? यह सूत्र है जो लेस पेयर और पास्चे का सूत्र ना उसका गुणोत्तर माध्य, यानी इसको अपन और क्या कह सकते हैं? इसको अपन कह सकते हैं अनरूट में लेस पेयर और पास्चे, लेस पेयर और पास्चे का क्या है? गुणोत्तर माध्य। यानी यह इतना सूत्र किसका है? जीरो वाला लेस पेयर का और वन वाला पास्चे का, इन दोनों सूत्र का ये अनरूट सो है ना, दोनों सूत्र में थे तो ये बाहर आ जाते, ठीक है? तो ये सूत्र किसका हो गया? फिशर का, यानी लेस पेयर और पास्चे का गुणोत्तर माध्य। नेक्स्ट है, मूल्य सूचकांक तैयार करने में अपेक्षाकृत शुद्धता के लिए प्रयोग करना चाहिए, बताओ। तो इसका सही उत्तर है गुणोत्तर माध्य। चाहे मूल्य सूचकांक हो चाहे मात्रा सूचकांक हो, यदि शुद्धता अपने को ज्यादा चाहिए तो हमेशा किसका प्रयोग करना चाहिए? गुणोत्तर माध्य का। बेस्ट यही रहता है गुणोत्तर माध्य का प्रयोग, लेकिन गणना की सरलता के लिए समांतर माध्य का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट देखो, पारिवारिक बजट रीति से सूचकांक ज्ञात करने का सूत्र है, बताओ पारिवारिक बजट रीति से सूचकांक ज्ञात करने का सूत्र कौन से? सिग्मा आर डब्ल्यू बटा सिग्मा डब्ल्यू। यदि बाहर दिया हुआ हो तो सिग्मा आर डब्ल्यू बटा सिग्मा डब्ल्यू, यदि बाहर नहीं दिया हुआ तो सिग्मा आर बट्टा एन। ये दोनों ये सूत्र है पारिवारिक बजट रीति से। नेक्स्ट सवाल है, फिशर का सूत्र संतुष्ट नहीं करता, बताओ ये परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है संगणक भर्ती 2018 में, फिशर का सूत्र संतुष्ट नहीं करता है। देखो फिशर का सूत्र है इकाई परीक्षण यानी यूनिट टेस्ट को संतुष्ट करता है, समय उत्क्रमता परीक्षण को संतुष्ट करता है और तत्व उत्क्रमता परीक्षण को संतुष्ट करता है। तो कौन सा संतुष्ट नहीं करता? चक्रीय परीक्षण को संतुष्ट नहीं करता है। जो फिशर का सूत्र है वह किस परीक्षण को संतुष्ट नहीं करता है? चक्रीय परीक्षण को संतुष्ट नहीं करता है। फिशर का सूत्र आदर्श सूत्र है या इकाई परीक्षण, समय उत्क्रमता परीक्षण और तत्व उत्क्रमता परीक्षण सभी को संतुष्ट करता है, केवल चक्रीय परीक्षण को संतुष्ट नहीं करता है। नेक्स्ट देखो, एक श्रमिक की मजदूरी 330 रुपये है तथा जीवन निर्वाह सूचकांक 110 है, दो वर्ष पश्चात यदि जीवन निर्वाह सूचकांक 200 हो जाए तो श्रमिक की नगद मजदूरी होनी चाहिए, बताओ। कर्मचारियों को जो मानदेय भत्ता मिलता है ना, इसी आधार पर मिलता है। पहले देखो जीवन निर्वाह सूचकांक, जीवन निर्वाह सूचकांक यानी एक आदमी को अपना जीवन निर्वाह करने के लिए 110 रुपये कम से कम आवश्यकता पड़ती है, तो उस टाइम उस श्रमिक की मजदूरी कितनी है? 330 रुपये। यानी ये तो है न्यूनतम दर, यानी कम से कम इतना रुपये यदि उस कोई नहीं कमा रहा है तो वो जीवन निर्वाह ही नहीं कर सकेगा। तो जीवन निर्वाह कितना है? 110 रुपये। अब इसके अलावा भी आदमी को शौक पूरे करने के लिए या फिर अन्य आवश्यकताओं के लिए रुपये और चाहिए, तो 110 वाले टाइम उसकी मजदूरी कितनी है? 330, यानी कितनी गुणा? 3 गुणा मजदूरी है। अब देखो दो वर्ष पश्चात जीवन निर्वाह सूचकांक कितना हो गया? 200। यानी महंगाई इतनी बढ़ गई कि जो पहले 110 रुपये में जीवन निर्वाह हो रहा था, अब कितने होने लगे? 200 में। तो यहाँ 110 था तो उसकी मजदूरी थी 330 रुपये, अब जीवन निर्वाह हो गया 200, तो यानी उसकी मजदूरी कितनी गुणा? 3 गुणा कितनी होगी? 200 की 600 रुपये। तो श्रमिक की नगद मजदूरी क्या होनी चाहिए? 600 रुपये। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट देखो, तत्व उत्क्रमता परीक्षण का आधार है, बताओ तत्व उत्क्रमता परीक्षण का आधार। ये तो देखो P01 P10, ये तो समय वाला है। तत्व उत्क्रमता परीक्षण का P01 और Q01 प्राइस और क्वांटिटी दोनों। तत्व उत्क्रमता परीक्षण का आधार क्या है? P01 और Q01। नेक्स्ट देखो, पारिवारिक बजट विधि में सूचकांक ज्ञात करने हेतु भार किस प्रकार दिए जाएंगे? पारिवारिक बजट विधि से सूचकांक ज्ञात करने हेतु भार किस प्रकार दिए जाएंगे? अभी बताया था ना ये सिग्मा आर डब्ल्यू बटा डब्ल्यू, यहाँ पर डब्ल्यू क्या है? भार है। तो ये डब्ल्यू किस प्रकार से भार ज्ञात करते हैं, बताओ। तो इसका सही उत्तर क्या है? P0 और Q0, यानी आधार वर्ष का एक मूल्य, आधार वर्ष की मात्रा, इन दोनों को गुणा कर देते हैं तो ये W यानी भार ज्ञात हो जाता है। तो पारिवारिक बजट विधि से सूचकांक ज्ञात करने तो भार ज्ञात करने के लिए P0 और Q0। नेक्स्ट देखो, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाते समय किस प्रकार के मूल्य लिए जाएंगे, बताओ। फुटकर मूल्य, थोक मूल्य, उत्पादन लागत या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? फुटकर मूल्य। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करने में हमेशा फुटकर मूल्य लेने चाहिए। अब देखो सूचकांक निर्माण में कौन से मूल्य लेने चाहिए? सूचकांकों के निर्माण में हमेशा थोक मूल्य उपयोग में लेने चाहिए, लेकिन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या फिर अपन ये कहते हैं जीवन निर्वाह सूचकांक, ये तैयार करने में हमेशा फुटकर मूल्य लेने चाहिए। क्योंकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या जीवन निर्वाह सूचकांक है वो घरेलू आदमी होता है, वो कौन कौन सी चीजें घर में उपयोग कर रहा है उस आधार पर निकाला जाता है। तो वो क्या करेगा? थोक में थोड़ी लेकर आएगा, वो तो दुकान से एक एक करके लेकर आएगा। तो उसकी यदि अपने को वास्तविक लागत ज्ञात करनी है तो हमेशा सूचकांक निर्माण में फुटकर मूल्य का उपयोग करना चाहिए। बाकी और सूचकांक निर्माण में बेस्ट क्या रहता है? थोक मूल्य का उपयोग, लेकिन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और जीवन निर्वाह सूचकांक में फुटकर मूल्य काम में लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचकांकों की निम्न दो श्रेणी है, सूचकांकों की दो श्रेणी है, ये ए और बी दो श्रेणी दी हुई है आपको, ठीक है।
बी श्रेणी में 2009 का सूचकांक होगा। ये बी श्रेणी है, इसमें 2009 का ये यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लिखा है, यहाँ पर क्या आएगा ये बताओ। ये देखो दो श्रेणियां दी हुई है ए और बी। ए में पहले 2008 में कितना मूल्य था 160, बाद में 2009 में कितना हो गया 200, बी में पहले कितना है 100। अब अपन इसका इसका ज्ञात करना, तो ये देखो कि अपने सूचकांक में पढ़ा था ना कि अनुमान लगाए जा सकते हैं आगे के लिए, तो इस श्रेणी के आधार पर इसका अपन को अनुमान लगाना है। इसमें देखो 160 रुपये थे और अब कितना हो गया 200, यानी 160 कितने की वृद्धि हुई है 40 रुपये की, कितने की वृद्धि हुई है 40 रुपये की, 40 रुपये की वृद्धि हुई है। ये 40 रुपये 160 का कितना परसेंट है, 40 रुपये 160 का कितना परसेंट है 25%, यानी कितने परसेंट की वृद्धि होगी 25% की। अब इसमें भी 25% की वृद्धि होगी, तो यहाँ पर 100 था और 25% की वृद्धि हो तो कितना आ जाएगा 125, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा सी 125। जो चीज़ आपको चाहिए ना वो कमेंट में बता दिया करो, ठीक है हम अपने बेस्ट नॉलेज के हिसाब से बढ़ाते हैं इस टाइम में किस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आपको जो चाहिए वो कमेंट में बता दिया करो ताकि हम उस हिसाब से वीडियो है वो तैयार कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चक्रीय परीक्षण को संतुष्ट करता है, लेस्पियर का सूत्र, पास्से का सूत्र, फिशर का आदर्श सूत्र, इनमें से कोई नहीं बताओ। हाँ एग्जाम वाला आपको ना ये फिशर का आदर्श सूत्र आदर्श ये नाम डाल के ना कन्फ्यूज करने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन आप कन्फ्यूज होना मत, अड़े रहना कि चक्रीय परीक्षण आ गया तो कोई भी सूत्र संतुष्ट नहीं करता, चक्रीय परीक्षण को कोई सूत्र संतुष्ट नहीं करता। नेक्स्ट देखो, लेस्पियर के सूत्र में बाहर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, बताओ लेस्पियर के सूत्र में बाहर के रूप में। अभी मैंने याद कराया था कि पहले इन दोनों का लेस्पियर और पास्चे इनका क्रम से हिसाब से याद करो, ऊपर नाम लेस्पियर नीचे पास्चे। अब लेस्पियर का सूत्र है ऊपर है तो इसमें पहले क्या आएगा जीरो वाला, यानी पी जीरो, जीरो का मतलब क्या होता है आधार वर्ष की मात्रा, जीरो का मतलब होता है आधार वर्ष। और जो यहाँ पर बाहर के रूप में क्या प्रयुक्त किया इसका सूत्र देखो लेस्पियर वाला, लेस्पियर वाला है क्या प्रयोग हुआ है जीरो, जीरो का मतलब होता है आधार वर्ष और क्यों का मतलब होता है मात्रा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा आधार वर्ष की मात्रा। ठीक है आगे देखो, फिशर का आदर्श सूत्र है बताओ, फिशर का आदर्श सूत्र है, आदर्श तो है फिशर वाला सूत्र लेकिन इसका जवाब क्या है तो वो है लेस्पियर और पास्से के सूत्र का गुणोत्तर माध्य। यदि लेस्पियर और पास्से का सूत्र है इसका यदि गुणोत्तर माध्य निकाल ले किसका सूत्र आ जाएगा फिशर का सूत्र आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, यदि मूल्यों में बदलाव वर्ष दर वर्ष तेजी से हो रहा है तो उपयुक्त होगा, यदि मूल्यों में बदलाव तेज गति से हो रहा है तो क्या उपयोग होगा श्रृंखला मूल्य सूचकांक, निश्चित आधार वर्ष सूचकांक, औसत आधार वर्ष सूचकांक, इनमें से कोई नहीं बताओ। तो इसका सही उत्तर क्या है, अपन ने थ्योरी में पढ़ा था ना यदि मूल्यों में बदलाव तेज गति से हो रहा है तो उस टाइम अपन श्रृंखला सूचकांक निकालेंगे, श्रृंखला सूचकांक में क्या होता है पिछले वर्ष के आधार पर ही सूचकांक ज्ञात कर लेते हैं, जस्ट पिछले वर्ष के आधार पर सूचकांक ज्ञात कर लेते हैं जिसके कारण जो मूल्य में बदलाव है वो कवर हो जाता है, मूल्य में बदलाव तेज गति से हो तो श्रृंखला मूल्य सूचकांक में लिया जाता है। नेक्स्ट देखो, यदि लेस्पियर सूचकांक 36 और पास्से का सूचकांक 49 हो तो फिशर का सूचकांक होगा बताओ, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेस्पियर का सूचकांक 36 और पास्से का सूचकांक 49 हो तो फिशर का सूचकांक, फिशर के सूचकांक का सूत्र क्या होता है, यह लेस्पियर और पास्से के सूचकांक का क्या है गुणोत्तर माध्य है। ठीक है गुणोत्तर माध्य इस हिसाब से निकल जाएगा एल गुणा पी, तो लेस्पियर का कितना दे रखा है 36 और पास्से का 49, इसका अनुरूप निकालेंगे 6 इसका आ जाएगा 7, 7 6 42, 6 7 42 हुआ,
यह है इसका सही उत्तर 42। लेसपियर का सूचकांक 37 और पैसे का 49 हो तो इसका है 42। आगे वाला देखो, एल प्लस पी बटा 2 बराबर किसका सूचकांक ये बताना। तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है डोरबिस्ट एवं बाउली। यदि लेस पेयर और पाश्चे का सूचकांक है, इनका बट्टा दो का मतलब है दो ऊपर ही दो है नीचे बट्टा में दो लगा दिया मतलब समांतर माध्य। लेस पेयर और पाश्चे के सूचकांक का समांतर माध्य निकाल लिया जाए तो किसका सूचकांक आ जाएगा? डोरबिस्ट एवं बाउली का। लेस पेयर और पाश्चे के समांतर माध्य तो डोरबिस्ट एवं बाउली का आ जाएगा, और लेस पेयर और पाश्चे के गुणोत्तर माध्य निकालेंगे तो किसका आ जाएगा? फिशर का आ जाएगा। गुणोत्तर माध्य तो इस हिसाब से निकाला जाता है और समांतर माध्य इस हिसाब से निकाला जाता है। नेक्स्ट देखो, P01 यानी सूचकांक का ये सूत्र दे दिया, किसके सूचकांक का सूत्र है ये वो ये बताना आपको, किसके सूचकांक का सूत्र है? तो ये है मार्शल एजवर्थ का। जस्ट जो संगणक भर्ती 2021 एग्जाम था ना, उसमें इस हिसाब का सूत्र पूछा था। तो ये 5-6 सूत्र है वो आपको याद रखने हैं, कुछ तो मैंने याद करवा दिए कुछ याद कर लेना। तो ये अपने जो अपने सूचकांक टॉपिक है इंडेक्स, इनके अपने लगभग एमसीक्यू हल कर लिए। तो किस हिसाब की आपको एमसीक्यू लगी, हार्ड सरल कितने सही हुए, पूरा वीडियो कैसा लगा, हर चीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। और हाँ, बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं वो यदि अपने इन टॉपिकों की संयुक्त एमसीक्यू क्लास देंगे वहाँ पर भी कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।